हेलो स्टूडेंट, फिर हम आज बात करेंगे, एक सेल की बात करेंगे। क्लास इलेवेंथ की हम बात करेंगे। क्लास इलेवेंथ में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर एक सेल आर्गेनेल है जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम इसको हम लोग बोलते हैं, डाइजेस्टिव सेल भी इसका नाम हम लोग देते हैं। क्या नाम देते हैं? डाइजेस्टिव सेल भी इसको कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यह एक टीनी सेल है। टीनी सेल का मतलब होता है TIN-Y। यह टीनी सेल है, एक ग्रेन्यूल्स है जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाया जाता है। तो टीनी साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स इसको बोलते हैं। क्या नाम देंगे? टीनी साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स इसको नाम देते हैं। ग्रेन्यूल्स ये छोटा सा एक पार्टिकल्स होता है जिसको हम नाम देते हैं लाइसोसोम या डाइजेस्टिव सेल। डाइजेस्टिव सेल इसलिए इसको कहा गया है कि लाइसो, यह ग्रीक वर्ड है यहाँ पर, लाइसो का मतलब होता है, लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव। क्या होगा? डाइजेस्टिव। और सोमा का मतलब होता है, सोम से बना है, सोमा शब्द है, सोमा का मतलब होता है बॉडी। बॉडी इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बॉडी इसको हम लोग बोलते हैं, यानी डाइजेस्टिव बाजी बॉडी इसको हम लोग बोलते हैं, यानी पाचक काय इसको हिंदी में बोलेंगे, और इंग्लिश में डाइजेस्टिव बॉडी इसको नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है लाइसोसोम को? डाइजेस्टिव सेल या डाइजेस्टिव बॉडी इसको हम लोग नाम देते हैं। और एक टीनी साइटोप्लाज्मिक या ग्रेन्यूल्स होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, इस सेल की बात करें कि यह डाइजेस्टिव इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें इस सेल की अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर भरे होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इसके अंदर भरा होता है, और यह डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं अब वह हाइड्रोलिटिक कंडीशन में होते हैं। हम बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे, हाइड्रोलिटिक कंडीशन में होते हैं। इसको बोलते हैं यानी वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पर, यह जो है यानी जल की उपलब्धता, जल अपघटनी इसको बोलते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसको हम लोग नाम देंगे। और एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर यह कार्य करेगा। स्पेसिफिक जो पीएच होगा, स्पेसिफिक पीएच जिसको हम बोलेंगे, यानी जो पीएच होगा वह 5 होता है। और आपको पता है कि 1 से लेके 7 तक जो है वह जो पीएच जिसका होता है, 1 से 7 जिसका पीएच होगा, 7 से कम, उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक मीडियम। तो यह एसिडिक मीडियम में यह पीएच क्या करता है, यहाँ पर कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं वह जो है एक निश्चित पीएच पे, यानी 5 उसका पीएच आप यहाँ पर बोलेंगे, एसिडिक मीडियम में यह एंजाइम क्या होते हैं, यह कार्य करते हैं सक्रिय रूप से, यानी एक्टिवली फॉर्म में यहाँ पर यह वर्क करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। अब देखिए ना, इसका एक दूसरा भी नाम हम लोग देते हैं कि लाइसोसोम जो है, यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम तो है ही है, इसके अंदर लगभग 40 टाइप के यानी 40 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। और यह जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो स्पेसिफिक पीएच पे यानी एसिडिक मीडियम में और 5 पीएच पे यह वर्क करता है। दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग भी इसका नाम एक रखा गया। सुसाइडल बैग, हम बात करेंगे सुसाइडल बैग की, कि सुसाइडल बैग इसको हम लोग, सुसाइडल बैग क्यों हम इसको बोलेंगे? सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इंजेस्टेड सेल होते हैं, डेड सेल होते हैं, अनडाइजेस्टेड सेल होते हैं, उनका यह क्या करता है, उन सेल्स अपने ही यह जो है इनको डिजॉल्व कर देता है। डिजॉल्व करके उनके मेम्ब्रेन को तोड़कर और उनका उनका जो है इंजेक्शन कर लेता है, स्वयं उसका भक्षण कर लेता है। इसलिए इसका नाम रखा गया सुसाइडल बैग। तो लाइसोसोम, एक नंबर का एक क्वेश्चन भी अलग से पूछा जाता है कि लाइसो किस सेल को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग बोलते हैं, तो लाइसोसोम को आप लोग याद रखेगा। अब हम आते हैं यहाँ पर कि लाइसोसोम की डिस्कवरी की बात करते हैं यहां पर। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डी दुबे नाम है, और इन्होंने जो है, डी दुबे ने लीवर सेल के अंदर, जो लीवर सेल है, लीवर सेल के अंदर जो है सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व इन्होंने किया 1955 में जो है लाइसोसोम को एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन के अंदर, एनिमल के अंदर इन्होंने क्या किया या इसको सबसे पहले देखा। और 1974 में डी दुबे को नोबेल प्राइज़ दिया गया इसके लिए, नोबेल प्राइज़ दिया गया। ओके, तो डी दुबे ने इसको डिस्कवर किया। अब इसकी आकरेंस की अगर हम बात करें, कि आकरेंस की अगर बात करें तो आप देखेंगे आकरेंस में
कि यह आल जो प्लांट्स हैं उनकी हम बात करेंगे और एनिमल्स की हम बात करें तो यह जो है सब में ये पाए जाते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल हैं प्लांट और एनिमल ये दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट के केसेस में अगर आपको उदाहरण हम दें यहाँ पर प्लांट के केसेस में, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब देखिए डाइजेशन के अगर कंपेरेटिवली अगर हम यहाँ पर अगर आते हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम है तो एनिमल के अंदर डाइजेशन का कार्य हो रहा है, डाइजेशन का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर जो है सक्रिय रूप से यहाँ पर यह पाए जाएंगे और प्लांट के अंदर डाइजेशन का उस तरह का वर्क नहीं हो रहा है, तो पाए तो उसमें भी जाते हैं लेकिन उतने फंक्शनली फॉर्म में नहीं होते, इनएक्टिव के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अगर प्लांट सेल की हम बात करें तो लोअर प्लांट्स जो है, लोअर प्लांट्स की अगर बात करें, एक हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, लोअर प्लांट्स में न्यूरोस्पोरा एक फंजाई है, न्यूरोस्पोरा, तो न्यूरोस्पोरा फंजाई में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है पी मैटिले, पी मैटिले ने जो है न्यूरोस्पोरा में जो है यहाँ पर खोजा था लाइसोसोम को जो है प्लांट सेल के अंदर। और दूसरा अगर हायर प्लांट्स की हम बात करें, हायर प्लांट्स में अगर आते हैं तो हायर प्लांट्स में आप आएंगे तो जो मेरिस्टिमेटिक रूट होता है, मेरिस्टिमेटिक रूट, उस रूट के अंदर भी आपको मिलेगा यहाँ पर क्या मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा। मेरिस्टिमेटिक रूट में भी आपको लाइसोसोम मिलेगा प्लांट के अंदर, यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आते हैं एनिमल सेल की अगर बात करते हैं तो एनिमल सेल में आप देखेंगे कि एनिमल सेल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर तो लीवर सेल की हम बात करेंगे, किडनी की हम बात करेंगे कि इन सब में। इसके अलावा जो है आप देखें ल्यूकोसाइट सेल की हम बात करेंगे, ल्यूकोसाइट सेल की हम बात करेंगे, ल्यूकोसाइट इन सब में जो है यह क्या होता है, लीवर है, किडनी है, ल्यूकोसाइट्स हैं, इन सब में जो है लाइसोसोम इसके अंदर ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इनकी साइज होती है उसकी हम बात करेंगे तो आकरेंस में आप लिखेंगे प्लांट सेल में पाए जाते हैं और एनिमल सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। प्लांट में दो नाम आपको हमने बताया, एक न्यूरोस्पोरा फंजाई है लोअर प्लांट्स में, न्यूरोस्पोरा उस न्यूरोस्पोरा में पाया जाता है, और हायर प्लांट्स में जो है मेरिस्टेमेटिक जो रूट है उसके अंदर लाइसोसोम पाए जाते हैं। और एनिमल सेल में आते हैं तो लीवर सेल है, किडनी है, ल्यूकोसाइट्स है, पैनक्रियाज भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पैनक्रियाज, इनमें भी जो है लाइसोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो इसकी साइज की हम बात करेंगे फिर शेप की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं शेप और साइज की ही बात करेंगे, तो शेप और साइज, पहले साइज की बात करते हैं कि जो साइज है नॉर्मली जो इनकी साइज है वह 0. आप देखेंगे 0.8 माइक्रॉन्स टू 4 माइक्रॉन, यह जो है जनरली इनकी साइज होती है, लाइसोसोम की साइज है। लेकिन एक्सेप्शनली अगर देखा जाए, एक्सेप्शनली अगर देखें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह लगभग 7 से 8 माइक्रॉन तक के पाए जाते हैं, 7 से 8 माइक्रॉन तक के, या जो है वो 4 से आप इसको ले जाएंगे बढ़ा देंगे यानी 8 माइक्रॉन तक एक्सेप्शनली। लीवर सेल के अंदर आप देखें इस तरह का कि यह जो है पाए जाते हैं जो है एक्सेप्शनली केस में अगर जाएं हम तो यह इनकी साइज होती है। और दूसरा हम इसमें देखें जो है इसके अलावा शेप की अगर हम बात करें, शेप की अगर बात करें तो आप देखते हैं शेप इस तरह का इनका होता है लाइसोसोम का, ये देखें ना इरेगुलर शेप इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इरेगुलर शेप इसको बोलते हैं, ओवल या स्फेरिकल शेप इसको नाम देते हैं। इसी के अंदर क्या होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर क्या होता है भरा होता है, नीचे वाला या बेस होता है इसको बेस बोलते हैं, और यह इरेगुलर शेप इसको हम लोग नाम देंगे इस या राउंड शेप या ओवल शेप स्फेरिकल जो आप कहना चाहें इसको कह सकते हैं। और इसमें क्या होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर भरे होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे यह शेप हो गया, इस शेप के पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर अब देखें तो इनके अंदर एक खास जो है करेक्टर्स डेवलप होता है जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पर, पॉलीमॉर्फिज्म की हम बात करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुरूपता, बहुरूपता का मतलब ये होता है कि ये कई फॉर्म में पाए जाते हैं, कई फॉर्म इनके होते हैं,
यानी कई फॉर्म का मतलब कई रूपों में पाए जाते हैं। कौन कौन रूप होते हैं? पहला है प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंड जो है इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। अब देखें, सेकेंडरी लाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल भी इसका नाम है, डाइजेस्टिव वैक्यूल, यह सेकेंड नेम है। थर्ड अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर, तो थर्ड को हम लोग यहाँ पर टर्शियरी आप नाम दे सकते हैं, या रेजिडुअल इसको हम बोल सकते हैं, रेजिडुअल लाइसोसोम इसको नाम दे सकते, टर्शियरी आर रेजिडुअल लाइसोसोम। और फोर्थ है ऑटोफैजिक लाइसोसोम। देखिए अब ये चार फॉर्म में पाए गए यहाँ पर, यानी फोर फॉर्म्स में पाए जा रहे हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी और ऑटोफैजिक लाइसोसोम। तो कई रूप में पाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, पॉलीमॉर्फिज्म इसको हम लोग नाम देते हैं। अब आप देखेंगे कि प्राइमरी लाइसोसोम की हम बात करेंगे कि प्राइमरी लाइसोसोम कैसे बनता है। तो प्राइमरी लाइसोसोम में अगर आप देखें, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं, यह हमारा जो है गाल्जी बॉडी है, गाल्जी बॉडी यहाँ पर आप देखेंगे, तो गाल्जी बॉडी और ER से ही यह जो है क्या होता है, हमारा लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ER और गाल्जी बॉडी से ही जो है लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो यह गाल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है, और इसका जो एंड है यह यही क्या करता है, ब्रेक कर जाता है, और इसके ब्रेक करने से क्या होता है, यह प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। इसका नाम है प्राइमरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी लाइसोसोम क्या काम करता है, यहाँ पर स्टोरेज का काम करता है, क्योंकि एंजाइम्स तो इसमें भी भरे हुए हैं, लेकिन एंजाइम्स किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पर एंजाइम पाया जा रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम यहाँ पर पाया जा रहा है, इसकी सक्रियता यहाँ पर नहीं है। तो प्राइमरी लाइसोसोम जो पहले ब्रेक किया यह गाल्जी बॉडी से, इस गाल्जी बॉडी का जो एंड है ब्रेक किया, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम इसको नाम देते हैं। इसमें भी एंजाइम होंगे, बट यह इनएक्टिव फेज में इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी इसको नाम दिया गया है, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स कहेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम की बात करेंगे। सेकेंडरी लाइसोसोम किसको हम लोग बोलेंगे, तो सेकेंडरी लाइसोसोम में हम आते हैं कि सपोज दैट यहाँ पर हमारा जो है प्राइमरी लाइसोसोम बना हुआ है। अब क्या होता है कि सेल के अंदर यह जो मेम्ब्रेन है, इसको हम आपको दिखाते हैं, जरा देखेंगे, एक डायग्राम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन यहाँ पर दिखाई दे रहा, और इस मेम्ब्रेन के थ्रू कोई फॉरेन पार्टिकल्स, फूड जो पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल सेल के अंदर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोसाइटोसिस के प्रोसेस, इसको आप बोल सकते हैं इंडोसाइटोसिस आप बोल सकते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि फैगोसाइटोसिस की क्रिया भी होती है, फैगोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस अलग है, फैगोसाइटोसिस अलग है, फैगोसाइटोसिस या यहां पर पिनोसाइटोसिस। तो ये सब प्रोसेस है जिसमें हम फूड पार्टिकल को बाहर से अंदर की तरफ सेल के अंदर लेकर आते हैं। अब देखिए, जब यह फूड पार्टिकल, यह हमारा सेल है, हमने एक सेल बना दिया, इस सेल के अंदर ये इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर की तरफ फूड पार्टिकल जब आता है, साइटोप्लाज्म में जब ये आता है फूड पार्टिकल अंदर की तरफ, तो ये बाहर से क्या होगा, एक मेम्ब्रेन के थ्रू यह बाहर से बाउंड हो जाता है। यह मेम्ब्रेन बनेगा कैसे, तो यह साइटोप्लाज्म के थ्रू ये मेम्ब्रेन बनेगा, और साइटोप्लाज्म ही एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देती है, और उस फूड पार्टिकल के चारों तरफ यह मेम्ब्रेन जो है उसको घेर लेती है। अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम जानते हैं क्या होगा, इसका नाम फैगोसोम हम लोग इसको नाम देते हैं, या पिनोसोम या फैगोसोम इसको हम लोग नाम देते हैं इस फूड पार्टिकल को। अब दूसरा क्या होगा कि अब यहाँ पर जो प्राइमरी लाइसोसोम पहले से बना हुआ है, यह प्राइमरी लाइसोसोम जो है इसके साथ क्या हो जाता है, फ्यूजन कर जाता है, फ्यूजन इसको बोलेंगे। फ्यूजन का मतलब एक दूसरे के साथ यह मिल जाता है, और जैसे ही ये मिलेगा यहाँ पर यह क्या हो जाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है।
सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो सेकेंडरी लाइसोसोम है वह एक्टिव फॉर्म में क्या करता है, यहाँ पर फूड पार्टिकल का डाइजेशन करेगा और यहाँ पर भोजन का डाइजेस्ट करता है। एक्टिवली फॉर्म में एसिडिक मीडियम में यहाँ पर फूड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो इस सेकेंडरी लाइसोसोम के फॉर्मेशन की हमने बात किया। अब हम बात करेंगे टर्शियरी लाइसोसोम की, हम बात करेंगे टर्शियरी लाइसोसोम की बात करेंगे या रेजिडुअल पार्ट्स की बात करेंगे। रेजिडुअल या अपशिष्ट पदार्थ, उसको वेस्ट मटेरियल भी हम लोग बोलते हैं। तो टर्शियरी का मतलब ये हुआ कि टर्शियरी लाइसोसोम में आप देखें कि यहाँ पर आप देखें कि जो भोजन यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेबल पार्ट्स है, सेकेंडरी लाइसोसोम में बहुत सारे जो है डाइजेशन हुए, लेकिन कुछ ऐसे जो डाइजेशन हुए उनका तो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, जो एनर्जी है उसका सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। लेकिन जो फूड पार्टिकल अनडाइजेस्ट की कंडीशन में है, अनडाइजेस्टेबल इसको हम बोलेंगे, अपाच्य भोजन इसको बोलेंगे। तो जो अपाच्य भोजन है उस भोजन को हम क्या नाम देते हैं, टर्शियरी लाइसोसोम बोलेंगे, टर्शियरी लाइसोसोम। तो वह सेल में नहीं रहेगा, क्योंकि वेस्ट मटेरियल जब बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जब उसका कोई फंक्शन नहीं है तो वह बाहर से, सेल से क्या करेगा, उसको बाहर के तरफ ले जाएगा। बाहर ले जाएगा तो एक प्रोसेस यहाँ पर होता है, एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस। क्या नाम देंगे, एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस। एक्स का मतलब होता है बाहर करना, एक्स का मतलब बाहर करना। तो ये प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस, जिसमें अनडाइजेस्टेबल पार्ट को हम क्या करेंगे, बाहर करते हैं, इसी को हम टर्शियरी लाइसोसोम इसको नाम देते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बॉडी के अंदर फीवर की कंडीशन होगी, हार्ट फेलियर हो सकता है, बहुत सारी हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए इसको सेल क्या करता है, इसको बाहर करने का कार्य करता है, किसके थ्रू, थ्रू दी एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। और अभी हमने जो फूड पार्टिकल को अंदर लिया था उसमें क्या हमने प्रोसेस यूज किया था, इंडोसाइटोसिस। इनका मतलब अंदर की तरफ ले आना, यानी इंडोसाइटोसिस में अंदर आएगा और एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, ये बाहर की तरफ जाएगा। तो यह समझ गए होंगे आप लोग जो है कि यह टर्शियरी लाइसोसोम किसको कहते हैं। अब हम बात करेंगे ऑटोफैजिक की, बात करेंगे ऑटोफैजिक। ऑटोफैजिक मीन्स होता है, यहां पर अगर देखें ऑटोफैजिक जो फोर्थ टाइप के लाइसोसोम है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ऑटोफैजिक में आप लोग देखें यहाँ पर कि ऑटोफैजिक में क्या होता है, ऑटोफैजिक के अंदर यह हमारा सेल है और सेल क्या करता है, यहाँ पर ईआर या माइटोकांड्रिया हो गया, इनका यह क्या कर लेता है, इनका इंजेक्शन कर लेता है। ऑटोफैजिक नाम है, सेल्फ जो है उनका इंजेक्शन कर लेता है। ऐसी सेल्स जो है अपने ही कोशिकाओं को क्या करता है, इंजेस्ट कर लेता है। तो यहाँ पर जैसे सपोज दैट यह हमारा क्या है, ऑटोफैजिक सेल है। यह ऑटोफैजिक सेल किसको, ईआर और माइटोकांड्रिया को अपने बॉडी के अंदर क्या किया, इंजेस्ट कर लिया और इनका यह डाइजेशन कर लेता है। इसको नाम देते हैं, क्या नाम देंगे, ऑटोफैजिक वैक्यूल्स इसको नाम देते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर फंक्शंस की, बात करेंगे कि लाइसोसोम के जो फंक्शंस है उसकी बात करेंगे। तो एक इंट्रा डाइजेशन, यहाँ पर दो तरह के फंक्शंस इसमें इंपॉर्टेंट हैं, दो ही फंक्शंस की बात करते हैं। एक इंट्रा होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इसको बोलेंगे, और दूसरा जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात हम करेंगे। दो ही तरह के डाइजेशन होंगे फंक्शन में, इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात होगी। अब यहाँ पर आप देखें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को एक डायग्राम के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो उसी से आप समझ जाएंगे पूरी इनकी जो कहानी है उसको एक बार हम समझा सकते हैं। यहाँ पर देखें एक मेम्ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बनाया है, यह मेम्ब्रेन है और नीचे हमने जो है यहाँ पर यह गाल्जी बॉडी, हम कम समय में आपका जो है यह बना दे रहे हैं, आप देखें जरा ये गाल्जी बॉडी है। और गाल्जी बॉडी के ब्रेक होने से आप देखेंगे यहाँ पर यह प्राइमरी लाइसोसोम इसका नाम है, यह प्राइमरी लाइसोसोम है, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम इसका नाम है। अब हम आते हैं कि कोई फूड पार्टिकल, देखिए यहाँ पर यह फूड पार्टिकल जो है, फॉरेन पार्टिकल्स इसको हम लोग बोलते हैं, फॉरेन पार्टिकल या फूड पार्टिकल। इस प्लाज्मा, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर की तरफ आता है, ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में जैसे ही आएगा मेम्ब्रेन से, जब यह बाउंड हो जाएगा तो इसका नाम क्या है,
फैगोसोम, इसको नाम देंगे, क्या नाम देंगे, फैगोसोम। अब नीचे से ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये ऊपर की तरफ जाएगा और फैगोसोम ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों के बीच में यहाँ पर फ्यूजन होगा और फ्यूजन से क्या बनेगा यहाँ पर, यह सेकेंडरी लाइसोसोम का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। यह है सेकेंडरी लाइसोसोम। देखिए एक सेल के अंदर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे यह वर्क करेगा, किस तरह से यह फंक्शन करता। तो यहाँ पर यह सेकेंडरी जो लाइसोसोम है यह एक्टिव फेज में यहाँ पर यह डाइजेशन करती है एसिडिक मीडियम में यहाँ पर, और जल की उपस्थिति में हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर है तो जल की उपस्थिति में करेगा, और यहाँ पर यह क्या करता है डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट करके डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है एनर्जी को कर देगी सेल के अंदर। और जो अनडाइजेस्टेड जो पार्ट होंगे यहाँ पर उनकी अगर हम बात करें तो उनको क्या किया जाएगा, उनको अनडाइजेस्टेड जो पार्ट हैं उनको हम एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, इसको हम टर्सियली, जो अनडाइजेस्टेड जो पार्ट होते हैं, अनडाइजेस्टेड जो पार्ट होंगे इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं टर्सियरी या रेजिडुअल, इसको नाम देते हैं टर्शियरी या रेजिडुअल या वेस्ट मटेरियल इसको बोलेंगे। इसको हम क्या करेंगे, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है इसको हम सेल से क्या करेंगे, इसको बाहर करेंगे। और दूसरा जो सेल, एक और सेल की हम बात कर रहे थे, ऑटोफैजिक सेल की हम बात कर रहे थे, तो ऑटोफैजिक में आप देखें यहाँ पर कि यह ऑटोफैजिक सेल है, और ऑटोफैजिक जो सेल है वह क्या करती है यहाँ पर ईआर और माइटोकांड्रिया को सेल्फ जो है क्या करती है, इंजेस्ट करेगी। यह भी जो है गॉल्जी बॉडी से ही इसका फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, और यह क्या करेगी, यह भी सेल वही है, टाइप में ही आएगा, फोर टाइप का है। तो यह जो है क्या करती है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये भी जो है क्या करती है, बॉडी से रिलीज कर देती है। तो दो तरह के कार्य यहाँ पर आप देख लिए यहाँ पर कि एक बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यह जो है यहाँ पर यह फंक्शन है। ओके,